भोपाल कई लोगों के लिए ये एक देश का नंबर है, लेकिन मेरे लिए ये एक देश का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो मैंने बचपन से काफ़ी बार सुनी तो है लेकिन देखने का और एक्सप्लोर करने का कभी मौका नहीं मिला। तो मैं इस नए साल पे निकल चला हूँ अपने आसपास के नेपाल के गांवों को एक्सप्लोर करने। नेपाल दिखाएंगे पूरा का पूरा। और नेपाल मैंने भी अभी तक फिलहाल नहीं देख रखा, अभी देखा है बिल्कुल हम यहाँ से देखते हैं। जो मैं अभी घर में हूँ धारचूला इंडिया में खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे भी जो आप देख रहे हो वो नेपाल है धारचूला और बॉर्डर में बिल्कुल हम रहते हैं। लेकिन जो नेपाल के बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो हमने आज तक देखे नहीं है, सुने हैं केवल, और हम जानते बहुत अच्छे से हैं उन गाँवों को कि हाँ ये गाँव किस तरह पर है, आज तक हमने देखा नहीं है उन गाँवों को। उन गाँवों को आज देखने के लिए हम निकल रहे हैं और हमारा सफ़र शुरू होगा धारचूला इंडिया से और हम चलेंगे सीधे नेपाल की। तो चलो चलो दोस्तों, अभी हम बस घर से निकले ही थे और अभी बस पहुंच गए हैं पुल के पास पे, उसके आगे पे पुल पे मतलब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ अभी रिस्ट्रिक्शन, मैंने आपको दिखा दी बिल्कुल पुल के ठीक ऊपर पर हूँ मैं अभी, पीछे बिल्कुल नेपाल है। तो चले नेपाल चल के फिर बात करते हैं। ये रहा इंडिया और ये रहा नेपाल, धारचूला। ये अभी हम पहुंच गए नेपाल और नेपाल में अभी हम जो वेट कर रहे थे सारे के सारे बंदे आ चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहे सारे के सारे बंदे। गौतम आए हैं, रुबेश आया है, अनिल आया हमारे साथ इस बार, और मेरी वाइफ तो है ही है साथ में, और हम किम को भी ले जाएंगे। देखो आज कैसा रहता है हमारा ट्रिप, आगे जाने के बाद पता चल पाएगा। गाड़ी से बात तो कर रखी थी हमने कल, लेकिन वो गाड़ी वाला बंदा जो था अभी मिल नहीं रहा हमें, उसका वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। दिन में उसने फ़ोन तो किया था लेकिन हम थोड़ा लेट हुए थे। सबका सब श्रेय गौतम को जाता है जो बहुत ज़्यादा लेट गए। तो अभी गाड़ी की और सारी चीज़ों की बात हमारी हो चुकी है, हमारी गाड़ी आगे लगी हुई है और रुबेश वेट कर रहा है और किम भी वेट कर रहा है गौतम का, जो फ़िलहाल को सामान लेने के लिए गया हुआ है ऊपर पे। अभी यहाँ पे ऐसे गाड़ी का वेट करते करते तो अभी मैं पुल देख रहा हूँ अपने ठीक पीछे पे ना, तो मुझे कुछ पुरानी यादें याद आ रही है। जैसे कि पुल के बीच में भी हम बैठा करते थे और काफ़ी बार नीचे पे पुल से देखा करते थे नदी को, पुल हमें आगे जाते हुए महसूस होती थी। तो इस तरह के बहुत सारे पुरानी यादें हैं जो यहाँ हमारी पुल से जुड़ी हुई है। जो बॉर्डर वाला पुल है हमें कहीं ना कहीं इमोशनली भी जोड़ता है हमें नेपाल से। अभी अपनी फीलिंग को बताते हुए पता ही नहीं चला कि सरसराहट से सारी गाड़ियाँ चलने शुरू हो गई, तो फिर क्या था, हम भी शुरू हो गए। रुक जा यार, रेडी 1 2 3 बोलूंगा तब। रेडी 1 2 3 करो करो रेडी। तो हमारे सफर भाई ने जैसे ही कहा मुँह इल्ले, मुझे लगा उसने कहा यहीं तक और यहीं गलत फहमी हो गई। मुझे लगा अब बस रास्ता ठीक होगा आगे का और ये रोलर कोस्टर राइड जो है अब खत्म होगी, पर नहीं, इसे तो और चलना था।
राइड में फाइनली गणेश जी की कृपा हुई और आगे जाम में गाड़ी रुक गई, वरना अपनी तो हालत ही खराब हो गई थी। और तभी कुछ दोस्त मिल गए। यहाँ पे अभी रुक गई हमारी गाड़ी, आगे रोड बन गई है और ये मिल गया प्रकाश बम। यहाँ आला हजर। हाँ, यहाँ क्या क्या पाउंड है? चलते रहे। हाँ, हाँ, कायो प्रकाश। क्या नाम हो तेरो? प्रकाश को बम या प्रकाश बम? मस्ती करते हुए वक्त कब कट गया पता ही नहीं चला और हम फिर से चल पड़े अपने मंजिल की ओर। कभी रोड के ऊपर तो कभी नीचे कोई ना कोई गांव देखने को मिल ही जा रहे थे कुछ कुछ दूरियों पर, और नज़ारे उसके बारे में क्या कहूँ। दोस्तों फाइनली हम गाड़ी से उतर गए और अभी हम पहुँचे हैं चल दे गाड़ा नाम के जगह पे, चल दे गाड़ा। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मस्त है। और एक गलती से ये हो गई कि हमने उनको बताया था जिस होटल पे हमें रुकना है उससे हमें आगे ले आए, लेकिन व्यू यहाँ के बहुत बढ़िया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक लंबा सा पुल है और बहुत सारे गाँव है। हिगला पता नहीं ये वाला गांव है, ये वाला है या यहाँ पहाड़ पे है, ये मुझे मालूम नहीं। ठंड लग रही बहुत भयंकर। और अभी हम रुके हैं यहाँ आगे पे सामने वाले होटल पे। काफ़ी लोग ने कहा कि यहाँ का सबसे लंबा पुल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में मतलब ये लगा लगे कि दूसरे नंबर का पुल है। कितना सही है कितना गलत है ये तो मुझे नहीं मालूम। और हमारे रहने की जो व्यवस्था थी वो होटल पीछे छूट गए, हमें वापस जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। बेटा यहाँ है। तो दोस्तों अभी हम भटक के जैसे ऊपर पहुँच गए थे वहाँ से वापस आ गया जिस जगह पे हमें पहुँचना था, जहाँ हमने बुक कर रखी थी अपने रूम वगैरह। तो यहाँ देख लो, अभी मुझे एक छोटा सा दोस्त मिला है, वो बताएगा आपको पूरी डिटेल यहाँ की। हाँ बेटा बताए, नाम क्या चलते रहो? सुभाष सिंह मेहरा। सुभाष सिंह मोहरा। और होटल को नाम क्या हो? सुभाष होटल एंड किचन हाउस। अच्छा, सुभाष होटल एंड किराना पसल। अच्छा तो देखो भाई, बता दिया है यहाँ पे हमने व्यवस्था की है अपने, और फिर हम कल जाएंगे यहाँ से काफ़ी ऊपर पे पहाड़ के इस चोटी पे। यहाँ से हम पूरा का पूरा व्यू आप लोग को दिखाएंगे आगे, जो आपको हिगला गांव और बाकी सारे जितने भी गाँव हैं यहाँ के इस वैली में। ये छोटा सा वैली टाइप का है यहाँ, छोटा सा वैली बोलूँ या क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक खाई सा है यहाँ, ऊपर नीचे मतलब पानी बह रही है। और ये भी नेपाल है, लेकिन आप ठीक सामने पे उस तरफ पे पहाड़ देखोगे तो वो नेपाल नहीं रहा, वो आपको सीधे मिलेगा इंडिया का पहाड़ दिखाई देगा ये वाला। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, तो अभी अंदर कुछ खा पी लेते हैं, खाने पीने के बाद फिर आगे का जो हमारा प्लान है। आज 31st है, आज 31 तारीख है इस साल का आखिरी दिन, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे हम। फिर कल सुबह से हम 1 तारीख से एक नई शुरुआत करेंगे यूट्यूब जर्नी की। और इसी के साथ एक नई शुरुआत के लिए हम सब एक्साइटेड थे, साथ ही अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार भी था। We'll be right back.
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी हमें और आगे जाना है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ एक कमेंट जरूर करिएगा।